सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे, विश्व को उत्पन्न पालन लय करने वाले, तापत्रय विनाशाय, संसार में जो तीन प्रकार के तापों को, यानी तीन प्रकार के दुख ही संसार में है, उसी दुख से सभी पीड़ित है। जो आज दुख से विश्व पीड़ित है वो है देव्य दुख, अचानक से आ जाना, भारी विपत्ति जिसका सामना पूरा विश्व करे, ऐसी विपत्ति जैसे अकाल तो वो पूरा प्रदेश करेगा उसका सामना, कोई वर्षा जिसमें सब कुछ तहस नहस हो जाए, उसे कहते देव्य पीड़ा। यानी आदि देव्य दुख, आदि भौतिक दुख, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहत उदास, कोई मन से दुखी है, कोई तन से, कोई धन से दुखी है। लेकिन भगवान दुख को नहीं समाप्त करते, क्या समाप्त करते हैं? दुख से बड़ी चीज को समाप्त करते हैं। दुख तो हमारे प्रारब्ध हमने किए, तभी तो ये शरीर मिला है। अगर पूर्व में, ये मत समझे कि इस जन्म के या अगले जन्म के होंगे, अनंत अनंत, इसलिए जन्मांतर कहा जाता है। जन्म माने जन्म के अंतर, उसके अलावा भी अनेक अनेक योनियों में जो आपके पाप कृत्य पुण्य कृत्य हुए हैं, वही तो आप फल के रूप में पा रहे हैं। जन्म जन्मांतर के उस प्रारब्ध के कारण आज हमारे समक्ष ये परिस्थितियां हैं। तो भगवान दुखों को नहीं, लेकिन दुखों के ताप को, गर्मी को, जिससे व्यक्ति झुलसता है, परेशान होता है, उसका हरण कर लेते हैं। क्योंकि दुख तो आएंगे, लेकिन दुख आप पर प्रभाव नहीं कर पाएंगे। ऐसा है प्रभु का नाम, श्री कृष्णाय वयम नमः। फिर सुखदेव जी की वंदना आती है, यम प्रव्रजन्ति अलुपीत अपीत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातरिया जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनिमान तुष्मि। सुखदेव जी को वंदना की है, जो प्रव्रजंतम है, एक दिशा में जिस जगह चले जाएं तो दोबारा उस दिशा में ना जाएं, ऐसे वैराग्य से परिपूर्ण, जो सतत निराकार ब्रह्म को जब सतत भजन करते हैं, लेकिन जब भागवत कथा का श्रवण वाचन करने का अवसर उन्हें मिले तो गदगद हो जाते हैं, भूल जाते हैं, और निराकार की समाधि को छोड़कर परीक्षित जैसे को कथा श्रवण कराने आते हैं। तो यहाँ नैमिषे सूतमाशन अविमाद महामतिम कथा मृत रसास्वाद कुशल सोन को ब्रवित। नैमिषारण्य की भूमि पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। 80,000 ऋषि विराजमान हैं, और उनमें सबसे बड़े आचार्य के मुख्य श्रोता के रूप में, जैसे हमारे राम मनोहर जी बैठे हैं, मुख्य यजमान है, उसी तरह से सोनकादिक ऋषियों की संख्या तो 88,000 थी, यानी उन्हें समझ लिए श्रोता, लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन 88,000 ऋषियों के मन में जो प्रश्न थे, उनका उत्तर और प्रति उत्तर का माध्यम वहां के आचार्य, उस गुरुकुलम के आचार्य, उस यज्ञ मंडप के आचार्य सौनक ऋषि थे, जो समक्ष बैठे थे। उन्होंने सूत जी को प्रणाम किया, हालांकि उनकी आयु बहुत बड़ी थी, सौनकादिक ऋषियों की आयु तो हजारों वर्षों, बहुत वृद्ध थे, बहुत ज्ञानी, लेकिन भगवान की कथा के लिए, ज्ञानी होने के बाद भी कथा के प्रति जो रस था उनके लिए, वो प्यासे थे। कथा अमृत रसा स्वाद कुशल, कथा को सुनने में कुशल हैं। अब कई बार महाराज भरे भराए आए, पहले से वो ज्ञान के आडंबर में हो और अभिमान में हो, तो उन्हें भगवत लीला कथा में रस नहीं आएगा, क्योंकि जाको गिलास पहले से फूल है, हमें महाराज एक बूंद पानी ना समा सके। तो यहाँ प्रार्थना की, महाराज आप करोड़ों सूर्य के समान हैं, हमारे जीवन में अंधकार है, और आप प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे जीवन में कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपके ही पास हैं। तो हमारे इस हृदय के कलमश को
दूर करिए, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी कहते हैं, पूछें, आपने जो मेरी प्रशंसा की है उसके लिए आपको कोटिश कोटिश धन्यवाद। आपके मन में क्या प्रश्न है? तब सौनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज कलयुग, कलयुग आने वाला है और किस प्रकार से कलयुगी जीवों के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य स्थापित हो कि वो अपने जीवन में अल्प समय में ही वो लक्ष्य की प्राप्ति कर लें जिसके लिए उनका जन्म है, तो ऐसा क्या करें? ये सुनकर के सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि हर प्रत्येक प्राणी यहां से जाने वाला है। काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्णाश हेतु, सब मरेंगे, लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कोई बेचैन नहीं है। इस कथा को श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया था, क्योंकि उनको श्राप था कि सातवें दिन उन्हें तक्षक डस लेगा, सर्प के दंशन से उनकी मृत्यु होगी। तो ठाकुर जी ने सुखदेव जी को माध्यम बनाया और कथा में कथा का अनुष्ठान करवाया। तो यहां आज कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि ऋषियों, आपके मन में जो ये भाव आया है कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति किस प्रकार से लोगों के जीवन में स्थापित हो, तो केवल एक माध्यम है, श्रीमद् भागवतान। केवल श्रीमद् भागवत कथा है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीर्ण भाषितम्। केवल एकमात्र यदि कोई है तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत कथा है, जिसको श्रवण करने से कलयुग रूपी कीटाणु भी समाप्त हो जाते हैं। महाराज, जब कलयुग जैसे कठोर कीटाणु समाप्त हो सकते हैं, तो प्रभु की प्रार्थनाओं में, हरि की कथा में, हरि सत्संग में कितना वजन है कि वो आपको सुरक्षित कर देंगे। पर निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जहां निष्ठा नहीं, जहां विश्वास नहीं महाराज, वहां ठाकुर जी भी सोचते हैं, भैया को तो पहले से विश्वास डग मगाए हुए हो, क्योंकि विश्वास पर ही तो सब कुछ है। हमें भी तो विश्वास होता है, हम कभी माँ को नहीं पूछते, हम ये जो हम जिसको पिता कहते हैं उसका डीएनए टेस्ट करवाओ कि हम हमारे पिता ही है क्या, क्योंकि हमारी माँ कह देती है पिता है, ये नाना है, ये दादा है, ये दादी है, और हमें विश्वास हो जाता है बिल्कुल। बड़ा खतरा है अगर जांच करवा लिया जाए, जांच करवा दी जाए और मेडिकल पर जाकर के रिपोर्ट अपने आप चेंज हो जाए किसी और की कहीं और किसी और की कहीं आ जाए, तो पिता का डीएनए भले ही था लेकिन रिपोर्ट चेंज हो गई, तो अपने असली पिता पे भी अविश्वास पैदा हो जाता है कि ये हमारा पिता है कि नहीं, इसका डीएनए अपने साथ मैच नहीं कर रहा। तो विश्वास से ही पूरा जीवन टिका हुआ है। आप कुछ भी देखते हैं अपनी इंद्रियों से तो आपको पक्का विश्वास होता है, आपकी मान्यताएं हैं उसी विश्वास में तो सब कुछ है। और विश्वास हट गया, जिसने विश्वास खो दिया कि उसका जीवन अब नहीं बचेगा, वो मरेगा ही मरेगा, लेकिन जिसको विश्वास है उसका कुछ नहीं हो सकता, उसकी तो बहुत लंबी उम्र है, वो बड़ी बड़ी पारियां खेल जाएगा महाराज, जीवन की उन कठिन डगरों से बाहर आ जाएगा, भारी संकट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसका विश्वास दृढ़ है, निष्ठात्मक है।